हेलो दोस्तों, आपको इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको याद होगा, गए आपने देखा होगा, तो मैंने सब्जेक्ट का भर्ब से कनेक्शन बताया था। मैंने ये कहा था कि सब्जेक्ट अपने भर्ब से दो एस्पेक्ट्स में जुड़ता है। अगर भर्ब इज एम आर हैज हैव हो तो शायद सब्जेक्ट उसके नंबर को अफेक्टेड कर सकता है। नंबर सिंगुलर या प्लुरल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। लेकिन अगर ये ना हो तो ऑलमोस्ट सारे केसेस में आपका वाक्य, आपके वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो भर्व के वॉइस पे असर डालता है। और अभी हम लोगों को वॉइस होता क्या है ये समझना है। आप जरा ध्यान दें, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, एकदम ताजा ताजा सेंटेंस है, जो अभी घटना चल रही है, शायद खत्म हो गया हो। इन व्यू ऑफ द कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट गिवन टू द एक्यूज्ड, सॉरी, गिवन टू द एक्यूज्ड ऑफ हिट एंड रन केसेस, अ कंट्री वाइड स्ट्राइक ऑफ द कैरियर्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाज समंड। अगर मैं इसमें भर्व देखूं तो शायद आपको एक भर्व यह दिखाई पड़ रहा होगा और दूसरा भर्व आपको यह दिखाई पड़ रहा होगा। अब जरा आप सोचिए कि क्या भर्व का थर्ड फॉर्म अकेला इस्तेमाल होता है? क्या भर्व के थर्ड फॉर्म को फाइनाइट भर्व माना जाता है? आप सोचें, क्योंकि भर्व इतना बड़ा एस्पेक्ट है। आप जरा समझें कि अगर भर्व का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो आपके एग्जामिनेशंस के कॉमन एरर के 60-70% चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। बट वो इन एक्शन क्लियर होना चाहिए, सिद्धांतिक रूप से नहीं, कि भर्व इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन डूइंग और डूइंग वर्ड और हैपनिंग वर्ड। यू आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ अ प्रॉपर वर्ड, नॉट टॉकिंग अबाउट द भर्व। अब जरा सोचो कि अगर मैं बोलूं कि ये वर्ड यहां सही है तो इसका मतलब ये है कि भर्व के थर्ड फॉर्म को भी हम अकेले इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपका वो भर्व जो सेंटेंस बनाता है वो आपका भर्व पांच फॉर्म में होता है, भी वन, भी टू, भी फाइव, और भी थ्री और भी फोर को अगर भर्व बनाना हो तो उसके पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ता है, तब ये भर्व माना जाता है। आप भी थ्री और भी फोर को, अगर आपके दिमाग में बात आ रही है कि भीतरी के पहले हमेशा ऑक्सिलरी आता है, तो आप इसको वो भर्ब बना रहे हो जिससे सेंटेंस की पहचान होती है। मींस यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनाइट वर्ब। बट जरा आप ये सोचें कि क्या भीफोर को हम अकेला इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री जहां पे डेवलपिंग भीफोर है बट एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मैं छोटे छोटे सेंटेंस बोल रहा हूं, जहां पे वॉकिंग बिफोर है बट वाक्य में इज का सब्जेक्ट है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वहां पे वो नाउन की तरह यूज हुआ है। वैसे ही बिफोर एक और पार्ट में पार्टिसिपल की तरह यूज किया जाता है। हाँ, ग्रामरियंस बोलते हैं कि इसको भी पार्टिसिपल मानना चाहिए, इसको जेरंड मानना चाहिए, बट अभी अगर आप इसको पार्टिसिपल को एडजेक्टिव से अगर अलग कर लो तो शायद सीखने में आपको आसानी आएगी, आसानी होगी। बिफोर को बिना ऑक्सिलरी के तीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही भीतरी को, नेचुरली अगर बिफोर इस्तेमाल होता तो भीतरी भी इस्तेमाल होता होगा, और आपको यह अच्छे से पता है कि भीतरी को अकेले एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड, वहां पे वो भीटू नहीं है, भीटू होता तो भर बन जाता, वहां पे वो भीतरी है। वैसे ही भीतरी को एक फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस यूज को पार्टिसिपल के रूप में हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें कहीं भी बिफोर दिखाई पड़े हम उसको जेरंड घोषित कर देते हैं, कहीं भी भीतरी दिखाई पड़े एडजेक्टिव मान लेंगे, या फिर बोलेंगे उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। जबकि यहां पे आप ध्यान दो तो भीतरी एकदम सही यूज है। हाँ, यहां आप देखो, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस भीतरी, और अगर इसके मैं, यहां पे भीतरी है, यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब भीतरी है, इसीलिए ये फाइनाइट वर्ब हो गया, और इसको आप पार्टिसिपल बोल लो। पार्टिसिपल पे चर्चा हम लोग बाद में करते हैं।
अभी भर्व के कंसेप्ट को वॉइस को टारगेट पर करना है। अब अगर इसके सब्जेक्ट की आप बात करो तो शायद आपको दिक्कत हो, मैं अभी पॉइंट आउट कर ले रहा हूं कि ये स्ट्राइक है सब्जेक्ट इसका। स्ट्राइक वॉज समंड, हड़ताल का आवाहन किया गया। अब जरा अपने सब्जेक्ट के कंसेप्ट को अपने दिमाग में डालो कि सब्जेक्ट जब नंबर से ना जुड़ता हो तो अपने भर्व से वो और किस एस्पेक्ट में जुड़ता है। अब ध्यान देना, जिस वक्त आप बोलते हो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, आप अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट को बर्बाद कर रहे हो, ध्यान रखना। इनफैक्ट इंग्लिश के किसी भी कंसेप्ट का कोई इक्विवेलेंट हिंदी नहीं है, और इंग्लिश ग्रामर को सीखने का सबसे ग्रामर को सीखने की सबसे पहली शर्त यह होती है कि आप उसका हिंदी करना छोड़ो, क्योंकि वर्चुअली ग्रामर का कोई पार्ट इंग्लिश का हिंदी के ग्रामर से मैच नहीं करता, हिंदी ग्रामर का कोई पार्ट इंग्लिश। हाँ, कभी कभी कुछ जगहों पे ये मैच होता हुआ दिखेगा, लेकिन वो तब भी जब स्कूल की चीजें हों, मतलब इनिशियल चीजें हों। आपका सब्जेक्ट अपने भर्व का दो चीज हो सकता है, आप ध्यान देना, या तो डूअर, मैंने डूअर लिखा है, मैं इसको कर्ता बोल सकता था, लेकिन कर्ता नहीं बोलूंगा, क्योंकि कर्ता का मतलब आपको इतने सालों में बताया गया है कि कर्ता मतलब सब्जेक्ट होता है। अभी अगर ऐसा है तो अगर मैं सेंटेंस लिखूं जैसा शायद लास्ट देर मैंने लिखा था, मैंगोज वर इटन बाय राम, में आप ध्यान दो तो राम डूअर है लेकिन सब्जेक्ट मैंगोज है, इसीलिए यहां वेयर लगा। अगर आपको आपके दिमाग में बैठती है कि सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है तो कर्ता का डेफिनेशन होता है जो काम को करे, और कर ये रहा है। और सब्जेक्ट भर्व एग्रीमेंट सिंटेक्स, भर्व को सब्जेक्ट के अनुसार उसका नंबर डिसाइड होता है, तो अगर तुमने इसको सब्जेक्ट कहा तो इसको वाज करना पड़ेगा, और अगर वेयर होगा तो यह सब्जेक्ट ना होके मैंगो सब्जेक्ट होगा। जबकि मैं इसी सेंटेंस को करूं, राम ईट्स मैंगोज, अगर मैं ऐसे लिखूं तो अब जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है, वो सब्जेक्ट भी है और कर्ता भी है, मतलब डूअर काम कर रहा है, जबकि यहां पर वो कर्ता नहीं है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो काम कर नहीं रहा है, काम कोई भी करे काम का काम उसी पे किया जा रहा है, खाए कोई भी, मैं यहां राम रखूं या कोई भी कुछ भी डाल दूं लेकिन खाया जाएगा आम को। ध्यान रखिएगा दोनों के हिंदी में कोई अंतर नहीं होता। गलती कहां हुई है कि अगर मैं आपसे बोलूं ही इज टू वीक टू वॉक, एक और सेंटेंस लिखूं ही इज सो वीक, आप जानते हो, दैट ही कैन नॉट वॉक, अगर मैं ये लिखूं और आपसे बोलूं कि ऊपर वाले सेंटेंस की हिंदी करो तो तुम बार बार नीचे वाले सेंटेंस की हिंदी करोगे, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। देखो रूल है कि जब एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके दूसरे स्ट्रक्चर में लिखा जाता है तो दोनों में से किसी एक ही सेंटेंस का मीनिंग निकल पाएगा, या फिर तुम हिंदी करना चाहो तो कर पाओगे, अमूमन तो हिंदी करनी नहीं चाहिए। इसीलिए तुमको मैं बोलूं कि सिर्फ इतने की हिंदी करो जो शब्द लगे हुए हैं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। सेम वे इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे बनता है, जबकि हिंदी एक्टिव की निकलती है। मैं तुमसे कभी बोलूं, कल मेरे द्वारा एक सिनेमा देखा गया जिसमें शाहरुख खान के द्वारा बड़ा अच्छा एक्टिंग किया गया था, डू यू फील कंफर्टेबल, तुम्हें कैसा लग रहा है सुन के? कल मैंने एक फिल्म देखी जिसमें शाहरुख खान ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया था। हमारे यहां ग्रामेरियंस ब्लंडर करते हैं जब वो इन दोनों के हिंदी करते हैं, हिंदी एक्टिव का निकलेगा अगर तुमको हिंदी निकालना है तो, बाकी समझना है। सो आपका सब्जेक्ट अपने भर्व का डूअर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जब वो डूअर होगा
इस काम को करेगा तो यह भर्व एक्टिव में होगा, और जब ये ऑब्जेक्ट होगा इस भर्व का तो आपका भर्व पैसिव में रहेगा। ये एक्टिव इनटू पैसिव नहीं है, एक्टिव और पैसिव अलग अलग चीजें होती हैं। वो तुमको मिलता है तुम्हारे कुछ एग्जामिनेशंस में एक वॉइस का सेंटेंस दे दिया जाता है और कहा जाता है उसको बदलो रेस्पेक्टिवली, एक्टिव है तो पैसिव में चेंज कर दो, पैसिव है तो एक्टिव में चेंज कर दो। ये वॉइस नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर तुम ये जानते हो तो अपने आप से पूछो कि तुम टू का सारा यूज जानते हो, तुम सो का सारा यूज जानते हो? नो, तुमने ये ट्रांसफॉर्मेशन याद कर लिया है, सीख लिया है। वैसे ही तुम एक्टिव से पैसिव को ट्रांसफॉर्म करने के रूल जानते हो, जबकि जो मैंने सेंटेंस यहां दिया वो किसी एक्टिव का पैसिव में नहीं किया हुआ है। क्या तुमको पता है कि ये पैसिव का भर्व है? अभी हम लोग उस पर नहीं आ रहे हैं। भीतरी एज ए पार्टिसिपल पैसिव होता है, एज एन एडजेक्टिव उसका कोई वॉइस नहीं होता क्योंकि वो एडजेक्टिव है। मैं पार्टिसिपल को एज ए पैसिव बाद में देखता हूं। अभी आप देखो, वॉज समंड, इसका सब्जेक्ट स्ट्राइक है। अब स्ट्राइक ये काम नहीं करेगा, स्ट्राइक इसका डूअर नहीं होगा। स्ट्राइक किसी ने भी बुलाया हो, लेकिन बुलाया गया स्ट्राइक को। सो जब आपका सब्जेक्ट किसी भी भर्व का डूअर नहीं होके ऑब्जेक्ट हो जाता है तो वो भर्व को पैसिव में रहना होगा, और वो किसी एक्टिव का बदला हुआ स्वरूप नहीं है। यहां तुम इसको एक्टिव में मैं बोलूं तो सम, अगर आप बोलोगे समवन कॉल्ड, हमारे यहां ट्रांसफॉर्मेशन में रूल है कि जब सब्जेक्ट नहीं मिले तो समवन टाइप का करके कोई इनडेफिनेट प्रोनाउन लगा दो। भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है, वॉइस का रूल नहीं है। वॉइस ये बोलती है कि अगर आपने एक्टिव को पैसिव में ट्रांसफॉर्म किया तो वो इम्प्रैक्टिकल सेंटेंस होगा, उसका आप लिखने बोलने में रेयरली कभी इस्तेमाल करते हो ट्रांसफॉर्मेशन के अलावे, और जो पैसिव है उसको कभी भी एक्टिव नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि अगर मैं बोलूं, एक सेंटेंस बोलूं मैं आपसे, तुम जरा सोचो, थीफ यहां सब्जेक्ट है, कॉट यहां भर्व है, चोर यहां डूअर नहीं है ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमको पैसिव में लिखना पड़ा, और बोलने वाला, आप जरा महसूस करो कि बोलने वाले को अच्छे से पता है कि पकड़ा किसने है, बट उसको जरूरत नहीं महसूस बोलने की, उसने पैसे बोला। अब इसको अगर आपको दिया जाएगा कि एग्जामिनेशन में ट्रांसफॉर्म करो तो आप समवन लगा लो, लेकिन जरा सोचो कि समवन बोलना कितना प्रॉपर है, समवन कॉट द थीफ। ये तब जब आपसे कहा जाए कि मैंने एक पैसिव का सेंटेंस दिया है, इसको एक्टिव में ट्रांसफॉर्म करो। एक्टिव इंटू पैसिव एंड पैसिव इंटू एक्टिव एक खास टाइप का क्वेश्चन होता है, वो वॉइस का कंसेप्ट नहीं है। जो मैं डील कर रहा हूं वो वॉइस का ओरिजिनल कंसेप्ट है। तुम्हारा सब्जेक्ट जब लिखा जाएगा, भर्व जब सामने आएगा, तो तुम्हें यह जज करना पड़ेगा कि अगर सब्जेक्ट है उसका डूअर तो भर्व एक्टिव में होना चाहिए, और यह अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज है। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं, अभी आपका यह भीफुर है, लेकिन आप ध्यान दो तो ये तुम्हारा जो भीफुर है ये यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लर्निंग और डेवलपिंग कंट्री। लेकिन तुम अगर यहां देखो, एक दो भर्व का कोई भी फॉर्म सेंटेंस में आया हुआ हो, तुम्हें उसका वॉइस चेक करना पड़ेगा और एडमिट। तुम इन तीनों भर्व को देखो जरा, तुम्हारे पास सब्जेक्ट के नाम पे एक है, और अगर तुम चेक करो तो लर्न का स्टूडेंट डूअर है, वही सीखेगा, इसीलिए ये एक्टिव में होना चाहिए। लेकिन टीच का वो डूअर नहीं है, ऑब्जेक्ट है, वो पढ़ाएगा नहीं, उसको पढ़ाया जाएगा, तो ये टीच यहां पे पैसिव में होना चाहिए था। अब इस भीफोर का पैसिव होता है बींग टॉट। अब ये मिस्टेक था, टीचिंग को बींग टॉट करना पड़ता क्योंकि ये पैसिव है,
और आप ध्यान देते रहिएगा, ये किसी एक्टिव कैपेसिटी में नहीं लिखा था मैंने, इस वर्ब को देखो जो तुम्हारा सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब है, एडमिट। स्टूडेंट इसके डूअर हैं, वो एडमिशन करा रहे हैं किसी का या उनका ही एडमिशन हो रहा है। जरा सोचो, अगर काम को एडमिशन अगर इन्हीं का हो रहा है तो दे आर नॉट द डूअर्स, दे आर द ऑब्जेक्ट। और इस हिसाब से इसको भी पैसिव में होना चाहिए था और यहां पे होना चाहिए था आर एडमिटेड। अब तुम्हारे पास एक दो और तीन भर्ब आया था जिसमें से दो को पैसिव में रहने की जरूरत थी, एक को एक्टिव में रहने की जरूरत थी, क्योंकि यही स्टूडेंट दो के लिए ऑब्जेक्ट है और एक के लिए डूअर है। तुम्हारे सेंटेंस में पांच वर्ब, पांचों को अलग अलग चेक करना होगा। हो सकता है कि वो जो सब्जेक्ट है वो किसी का डूअर हो और किसी का ऑब्जेक्ट हो, तुम देख लो। इसीलिए एक और चीज ध्यान रखिएगा, वाक्य कभी एक्टिव या पैसिव में नहीं होता, वर्ब एक्टिव या पैसिव में होते हैं। और एक सेंटेंस में पांच है तो तीन एक्टिव दो पैसिव, चार पैसिव एक एक्टिव, तीन एक्टिव दो पैसिव, इत्यादि इत्यादि कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि जो सब्जेक्ट है उससे उस वर्ब का कनेक्शन एक्टिव का है, डूअर का है या ऑब्जेक्ट का है। मैं इसके अदर एस्पेक्ट्स, क्योंकि क्योंकि मैंने तुमको, मैंने क्लास स्टार्ट किया था कि ग्रामर में हुआ ही जरूरी है, मैं तुमको फिर से बोल रहा हूं कि तुम लोगों ने बचपन में सुना होगा एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, तुमने सुना होगा, लेकिन किसी ने ना पूछा ना किसी ने आपको बताया कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हम पहचानने की कोशिश या पढ़ने की कोशिश क्यों करें, क्या जरूरी है, व्हाई व्हाई ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। आप जानते हो कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन वॉइस से होता है। आप जिस समय में वर्ब का ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव डिसाइड करते हो उस समय में आप एक्चुअली वॉइस के चैप्टर को एड्रेस कर रहे हो, और इसी एस्पेक्ट्स को कि डूअर और ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप चेक करो। सेंटेंस आपको मिलता है ना न्यूज़पेपर में, कॉमन एरर में, जहां भी वर्ब मिले तुम उसको चेक करो कि वो डूअर है कि ऑब्जेक्ट है, तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि वो एक्टिव होना चाहिए कि पैसिव होना चाहिए। मैं इस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को व्हाई हम लोग क्यों पढ़े हैं मैं बताऊंगा, और अगले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। वॉइस को इंटरेस्टिंग पार्ट है, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइएगा सबको। थैंक यू।